इसमें हम लोगों का जो है स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कौन कौन सा टॉपिक। हाँ बोलिए। सर, और आप जो ना क्लास रिकॉर्ड किए उसको भेज दो ना। सारे क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने भेज रखी है ऑलमोस्ट। ठीक है, चैप्टर 8 का भी मैंने डाल रखा है रिकॉर्डिंग, जो भी हुआ है गूगल क्लासरूम पे सब है। ठीक है, कुछ कुछ उस बीच में दो तीन नहीं भेजा था, वो भी सेंड कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बीच में थोड़ा बिजी था इसलिए। चैप्टर 8 के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं गूगल क्लासरूम पे, आप देखिए जाके। और मैंने अब धीरे धीरे वो भी कर रहा हूँ, हर चैप्टर वाइज जो है आपको अलग फोल्डर बना रखा है उसमें गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, चैप्टर 7 का सारा चीज एक जगह पे आ गया है। ठीक है, चैप्टर 1 का भी आ गया है, शायद 3 का भी आ गया। इसी तरह से मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो सब रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें है, जो भी आपको, इसलिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए रहता है। अभी मान लीजिए कई बच्चे अभी समझ गए, क्या होता है एग्जाम टाइम में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, नहीं कुछ ये कोई टॉपिक रिवीजन करना है तो उठाइए सीधा, उसमें मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे डाल रखा है, साथ में टॉपिक भी डाल रखा है कि जिस बच्चे को जो टॉपिक रिवाइज करना है उस टॉपिक के पे सीधा जाके क्लिक करके लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, रिविजन हो गई। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आते वहां से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं करके रखा हूँ सब। सो चलिए, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको खत्म करते हैं आज। इसमें क्या है, देखिए स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये जो भी पूरा मतलब जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें जो अलग अलग तरह के जो वेव्स हैं, ठीक है, उन सारे वेव्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में हमने जो है उसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको मैंने बताया था, LAT S, लेट्स मी वक्स। ठीक है, MIVUX गामा रेज। ठीक है, गामा ये बताया था। सो एल से लॉन्ग, ये जो है आपकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की। ठीक है, इसी बीच में ये देखिए एल ए से हो गया AM। ठीक है, ये सब बता दिया था मैंने, LAT S M है ना, IVUX गामा रेज। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसको अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन इससे आता है, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि इसमें से आपको क्या करेगा, चार कोई भी दे देगा, एक ये वाला दे देगा, दो दे देगा। ठीक है, माइक्रोवेव तो बहुत बार आया हुआ है, और कोई भी ये दे देगा चार, बोलेगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। समझ आ रही बात सबको, तो इसलिए आपको अगर ये सीक्वेंस याद है तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि ये रेंज थोड़ा बहुत, अगर कोशिश कीजिए कि सबका फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आपको याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि एक बार एक आध क्वेश्चन प्रीवियस इसमें इससे भी पूछा हुआ है कि रेंज ऑफ दिस एक्स रेज का पूछा हुआ है कई बार, कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, वेवलेंथ का रेंज बताएगा। ठीक है, या फिर आपको क्या करता है, वेवलेंथ का रेंज दे देता है इतना से इतना है, तो वो कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा बैंड है ये पूछ देता है। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक, तो इसमें ये सब है। ठीक है, तो इसमें हर एक टॉपिक को मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको समझाना बहुत ही बोरिंग चीज है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम लोग एक दिन जो है डिबेट डिस्कशन टाइप से कर लेंगे तभी जाके ये पूरा क्लियर होगा, बहुत टफ है इसको याद करना। तो सब कोई पढ़ के आते हैं, फिर हम पूछते हैं एक दूसरे से, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, तभी ये याद हो पाता है। ठीक है, और ये याद करने वाला पूरा टॉपिक है, और मैंने आपको बताया कि ये 3 मार्क्स का चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से, जो भी चल रहा है तो पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके जहां तक होता है मैं करवा देता हूँ। द रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस, ये तो सबको पता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक्सिलरेटेड चार्ज से होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, इन कंडक्टिंग वायर्स में। ठीक है, चार्ज कहाँ पे फ्लो कर रहा है, कंडक्टिंग वायर्स, उसी की वजह से एक्सिलरेटेड चार्ज है और उसकी वजह से रेडियो वेव्स होते हैं। तो यूज कहाँ होंगे, रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में होंगे। ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड होता है। ठीक है,
और ये जो है 530 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1710 किलोहर्ट्ज़ तक, ये भी क्वेश्चन पेपर में हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये रेंज आपको याद रखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव कहाँ से कहाँ तक होता है, ये रेंज है उसका, ठीक है। अब देखिए ये एक बार में तो याद होगा नहीं, है ना, तो कई बार बच्चों को पढ़ना पड़ता तब तब जाके याद होता है। सो हायर फ्रिक्वेंसीज अप टू 54 MHz आर यूज फॉर शॉर्ट वेव बैंड, ठीक है। तो इसमें पूछ देगा शॉर्ट वेव बैंड के लिए, है ना, कौन कौन कितने रेंज की फ्रिक्वेंसी अप टू 54 MHz तक की होती है। और टीवी वेव का रेंज जो है वो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा फ्रिक्वेंसी रेंज और यहाँ पर बैंड, ठीक है। तो शॉर्ट वेव बैंड इतना से इतना, ठीक है, टीवी टेलीविजन के लिए इतना से इतना, ऐसे करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपने जो जो भी आप रेडियो सुनते होंगे, FM वगैरह, तो आप उसमें देखते होंगे जितने भी रेडियो है, 92.1, 92.7, है ना, 93.5 रेड FM होता है ना, 91.1, ये सारे के सारे जितने भी आपके हैं वो 88 MHz से लेके 108 MHz के बीच में आ रहे होंगे। जितने भी FM के आप चैनल देखते होंगे, रेडियो मिर्ची, बिग FM, है ना, जो भी रहता है वो सब के सब 88 से लेके 108 MHz के बीच में होता है, ठीक है। जितने भी हमारे सेलुलर फोन्स होते हैं वो रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये सब जो मोबाइल फोन है वो उसमें कौन सा वेव चलता है, रेडियो वेव चलता है, ठीक है। और इन दी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सब ये रेंज होता है इसका, फ्रिक्वेंसी रेंज, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। वैसे एक चैप्टर होता था कम्युनिकेशन फिजिक्स, उसमें आता था ये सब। हाँ, स्टार्ट होता था लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी, फिर हाई फ्रिक्वेंसी, फिर है ना HF, फिर VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये एक बैंड होता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज का, उसको हम लोग को भी नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका रेडियो माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स क्या होता है, ये शॉर्ट वेव लेंथ रेडियो वेव्स है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। माइक्रोवेव थोड़ा सा ऊपर जाके है ना, यहाँ पे, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए इसका जो वेवलेंथ होगा, ये सबको पता है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, समझ गए। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड सबका कितना होता है, 3 × 10⁸ m/s, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतना कम होगा। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है रेडियो वेव में, इसलिए इसकी वेवलेंथ छोटी होगी, तो शॉर्ट वेव, ठीक है। आपने रेडियो में जब कभी पुराने जमाने का रेडियो देखे होंगे, उसमें देखे होंगे AM वेव, है ना, SW, MW, ऐसे करके लिखा होता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ऐसे करके, ठीक है। तो विद फ्रिक्वेंसीज इन दी गीगा हर्ट्ज रेंज, ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी गीगा हर्ट्ज रेंज में होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं 10^11, इतना स्पीड अगर मोबाइल में आपको देता है, तो GB/s बोलते हैं ना, तो 10^11 तो गीगा हर्ट्ज रेंज में है, 10^12, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड बाई स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। अभी होता क्या क्या है ये सब हम लोग को जाके इंजीनियरिंग में पढ़ना है, काफी अलग है, आप एक ब्रांच ही होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में, ठीक है, वहां पर जाके इन सब के बारे में पढ़ना है। सिर्फ आपको अभी याद रखना है, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट्रॉन्स, गन डायोड्स और क्लिस्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वाला, ये दोनों तो बहुत बार पूछा है, क्लिस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स, है ना, किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, तो आंसर इज माइक्रोवेव। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कैसे कैसे पूछ रहा है इन टॉपिक्स पे। यस नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। ये क्वेश्चन आप कम से कम, आप देखेंगे कम से कम 20 बार आया हुआ है ये, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिलेगा यही, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंड इज यूज फॉर रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम के लिए कौन सा, माइक्रोवेव, याद रहेगा। और रडार कहाँ यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, पता है ना सबको। तो रडार ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द स्पीड गन्स यूज फॉर टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस सर्व एंड ऑटोमोबाइल। इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, सब याद करने वाला चीज है, रट्टाफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दीज वेव, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम है, ये जिसमें आप क्या करते हैं, है ना, ब्रेड वगैरह सब, है ना। तो
तो ये जो है इसी तरह से काम करता है। इसमें माइक्रोवेव की रेंज की फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेट होती है, ऑसिलेट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस करने की वजह से अंदर में जो भी आप चीज पकाना चाहते हैं वो पकता है। ठीक है, सो माइक्रोवेव ओवन इसका एक एप्लीकेशन है माइक्रोवेव का। ठीक, इन सच ओवन्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वो उसी फ्रिक्वेंसी से माइक्रोवेव का जो ओवन है वो वाइब्रेट करेगा, और जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो गई तो उसकी वजह बाद क्या होगा सर्किट में, वहां पर जैसे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हुआ, जेड जो है वो आर के बराबर हो गया, रेसिस्टिव हो गया, और वहां पर उस आर की वजह से हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इट इज ट्रांसफर्ड एफिशियंटली टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। हीट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दिस रेजेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर। तो उसके अंदर में पानी के अंदर में पानी को उसने गर्म कर दिया, और पानी के अंदर में खाना रखा हुआ है, जो भी चीज है उसको गर्म कर देगा वो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, और ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो ये उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो वे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स, इससे भी क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, जैसे ये मतलब इंफ्रारेड वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जो आपको जनरली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विजिबल। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम में आप देखिए, है ना, पहले है आपका माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद फिर विजिबल हो जाता है और अल्ट्रावायलेट। तो जो विजिबल वाले की जो रेंज है ना, वेवलेंथ रेंज, आप देखिए 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। ये जो एरो दिया हुआ ना, ये इसका विजिबल वाले का वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, वायलेट का सबसे कम होता है। हम लोग पढ़े हैं रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होता है। बात समझ में आ रही सबको? तो यहाँ पर इंफ्रारेड है, ये हम लोग को जनरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो भी हॉट बॉडीज हैं, जैसे आयरन है, आयरन को आप क्या करते हैं बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, रेड हॉट आयरन जिसको बोलते हैं। अब वो जब गर्म हो जाता है तो उसके उससे जो है लाइट एमिट होती है, और वेव्स के फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, सो हॉट बॉडीज एंड हॉट मॉलिक्यूल्स, दिस बैंड लाइज जस्ट बिलो दी, है ना, जस्ट एडजेसेंट टू दी लो फ्रिक्वेंसी और लॉन्ग वेव लेंथ, है ना, एंड ऑफ दी विजिबल स्पेक्ट्रम। वही आपको दिखाया, इसके जस्ट बाद हमारा विजिबल आता है। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट वेव्स को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये है ना हॉट बॉडीज है, रेड हॉट आयरन है, इसलिए हीट वेव्स को ही हम लोग कभी कभी इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट मटेरियल्स रेडिली अब्सॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको इंफ्रारेड वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे इसमें है ना मेनी अदर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब भी अब्सॉर्ब करता है इंफ्रारेड वेव्स को। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट को अब्सॉर्ब करने वाला, तो हीट वेव्स कहलाता है। सो आफ्टर अब्सॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस, दैट इज दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग्स। कभी भी कोई भी चीज अगर हीट होगा तो वो उसमें मोशन होगा, थर्मल मोशन होगा, और उसकी वजह से वो भी हीट होगा और उसके आसपास के सराउंडिंग को भी वो गर्म करेगा। और आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा इंफ्रारेड लैंप्स के बारे में। ठीक है, ये फिजिकल थेरेपी वगैरह जब हम लोग कुछ कहीं पे जैसे कि पूरे पुराने लोगों को आपने देखा होगा, वो एक कभी कभी एक लैंप जला के बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, कमर में दर्द है या कहीं पे सूजन है तो वो क्या करते हैं, एक बल्ब आता है इंफ्रारेड बल्ब। ठीक है, उसको जलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उस बल्ब से अगर हम क्या करते हैं, उसको जहाँ पे सूजन है उस जगह पे उसको हम लोग लगा के बैठे रहते हैं, तो आपको गर्मी भी फील नहीं होता है, लेकिन वो इंफ्रारेड की वजह से अंदर में जो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, टिश्यूज वगैरह, वो हीटअप होते रहते हैं, और हीटअप होने की वजह से वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल थेरेपी, और वो किसके हेल्प से होता है, इंफ्रारेड लैंप्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ज्यादा महंगा भी नहीं, 400-500 में भी आता है इसका ऑर्डिनरी वर्जन वगैरह। ठीक है, तो ये फिजिकल थेरेपी में यूज होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म एंड एवरेज टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, उसको भी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को मेंटेन करने के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे
आपको मालूम होगा इंफ्रारेड, जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, एक शीशे के घर में पौधे लगे हुए होते हैं, पौधों को जो है उसकी वजह से गैसेस निकलती है उसकी वजह से, और वो क्या करता है जो सन से जो हीट रेज आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब होने के बाद उस हीट रेज को वापस से लौट के जाने नहीं देता है, ठीक है, तो मतलब उसको ट्रैप करके रखता है, तो इसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस का यूस हाउस का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और ओवरऑल अर्थ के भी एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाता है, और इससे अर्थ की वार्मिंग होती है, ठीक है, जैसे ठंडी जगहों में जहाँ पे ठंडी जगह है वहां पर ये इंफ्रारेड रेडिएशन काफी यूजफुल होता है, क्लियर है। सो इनकमिंग विजिबल लाइट विच पासेस रिलेटिवली इजी थ्रू द एटमोस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड री रेडिएट बी एज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। कई बार ये भी होता है, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन ये टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें क्या है कि क्या होता है कि जो विजिबल लाइट जो सन से आती है, ठीक है, जो हम लोग जिस लाइट को देख सकते हैं, ठीक, वो जो लाइट है, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस के द्वारा, अर्थ पे जब सरफेस पे पड़ेगा तो गर्म होगा, एंड री रेडिएटेड सरफेस पे वो जो हीट लाइट रेज आई, ठीक है, विजिबल लाइट वो सरफेस से टकरा के फिर वो वापस जाती है, ठीक है, और उस वजह से वहां पर क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, और वो जब हीट प्रोड्यूस होता है तो जब ये वापस रिफ्लेक्ट होता है तो उस समय में वो क्या करता है, वो जो विजिबल लाइट थी वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब आप लोग मालूम होगा ये कॉन्सेप्ट। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूजफुल इन अर्थ सेटेलाइट, ठीक है, इंफ्रारेड ये कहाँ पे यूज होता है ये भी देख लीजिए, अर्थ में जो अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वहां पर, बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि मिलिट्री पर्पस में कौन सा जो है वेव यूज करता है, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, क्रॉप के ग्रोथ को चेक करने के लिए कौन सा, तो इंफ्रारेड वेव, ये सब चीजें जो है ये यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर जैसे एलईडी, इसमें भी इंफ्रारेड होता है, जैसे आपने कभी एलईडी वो टीवी वगैरह का रिमोट देखा है कि नहीं देखा है, टीवी का रिमोट देखा है या नहीं देखा देखिए, है, उसमें एलईडी लगी हुई होती है मालूम है, रिमोट में एलईडी लगी हुई होती है मालूम है कि नहीं, जिससे आगे है ना, अब उस एलईडी से जो भी लाइट रेज जा रही होती है क्या वो विजिबल होता है या नहीं होता है ये बताओ, नहीं नो होता है, ठीक है, तो वो सब जो है वो क्या है, वो इंफ्रारेड वो वेव्स हैं वो, ठीक है, वो विजिबल नहीं होता है, इंफ्रारेड लाइट्स हैं, उससे जो एलईडी की लाइट से जो निकलती है ना बेटर इंफ्रारेड वेव्स, सो दे आर यूज्ड इन रिमोट स्विचेज एंड ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज टीवी सेट्स, रेडियो रिकॉर्डर्स, हाईफाई सिस्टम्स इत्यादि, ठीक है। उसी के बाद विजिबल रेज आपको मालूम है, अभी मैंने बताया 400 4 × 10 की पावर मतलब 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, और फ्रिक्वेंसी रोज रेंज है 4 × 10 की पावर 14 से लेके 7 × 10 की पावर 14 तक, ठीक है, इसका रेंज है, और आपको मालूम है कि ये सब जो है विजिबल लाइट एमिट और रिफ्लेक्ट होता है, जो भी हमारे आसपास में कोई भी चीज रखा हुआ उससे रिफ्लेक्शन होगी, हमारी आई इसको देखने के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है, और डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ, स्नेक कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड, हाँ स्नेक कौन सा ऐसा एनिमल है ये पूछ देगा कि कोई एक एनिमल का नाम बताइए जो इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो कौन है, इंफ्रारेड वेव, हाँ ये स्नेक्स, ठीक है। सो एंड द विजिबल रेंज ऑफ मेनी इंसेक्ट्स एक्सटेंड्स, वेल ये सब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट, तो पहले था इंफ्रारेड, उसके बाद आ गया विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जो है 400, वो जो था आपका क्या बोलते हैं हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, इससे भी ज्यादा होगी, 7 × 10 की पावर 14 से भी ज्यादा वाले रेंज में आएगी, ठीक, और इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से भी क्या होगा, 400 से 700 ये था, ठीक है, तो इसका 400 नैनोमीटर से भी कम होगा या ज्यादा होगा, ये देखिए 700 ये सबसे लास्ट वाले का है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ जो है 400 से भी 400 नैनोमीटर से भी कम होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सब इसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपको पता ही है, सन से जो भी यूवी रेज आती है, ठीक है, वो ओजोन लेयर वाला सब कॉन्सेप्ट मालूम है ना सबको, ठीक है, हा? ये डायरेक्ट अगर वो हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे स्किन को टैन
टैनिंग कर सकता है, सबन, ठीक है, ग्लास विंडो, ये सब जो है ये सब आप लोग खुद पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। ओजोन लेयर वाला सब तो जानते ही होंगे ना इसके बारे में। उसके बाद वेल्डर्स जो होता है वो भी ये ग्लास गॉगल्स पहनते हैं या फेस मास्क पहनते हैं विद ग्लास विंडोज, देखा है ना, फेस मास्क उसका लगा हुआ था ग्लास की विंडोज का, ठीक है। तो ये क्योंकि वहां से जो रेज निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, जो वेल्डिंग आर्क करते हैं ना वेल्डिंग वाले सब, वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है जो उनकी आंखों को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये सब है। और बाकी इसमें यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म इन वाटर प्यूरिफायर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना। यूवी रेज आपने देखा होगा कभी आरओ खरीदने जाते हैं तो उसमें यूवी रेज वाला एक सिस्टम लगा हुआ होता है ना, यूवी रेज वाला, तो वो क्या है, यूवी रेज यही अल्ट्रा वायलेट रेज वहां से पास करता है पानी के थ्रू, ठीक है, और वो क्या करता है किल जर्म्स को किल कर देता है, इसलिए यूवी रेज वाला आरओ लेना चाहिए, समझ गए ना। तो ओजोन लेयर ये सब सीएफसी वगैरह सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या रह गया, बस एक दो रह गया है, ठीक है। एक्स रेज, तो एक्स रेज इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एक्स रेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका नाम जो डिस्कवर किया है एक्स रे, जैसे होता है ना कुछ भी लेट मैथ में कि हम लोग कुछ भी सपोज कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं लेट द नंबर बी एक्स, उसी तरह से एक रे मिली थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ जब रेडियो एक्टिविटी हो रही थी तो उसमें एक रे मिली थी, उसका नाम एक्स रख दिया, बस वो एक्स रेज के नाम से ही फेमस हो गया, कोई इसका और बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो बियॉन्ड यूवी रीजन अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारा कौन आ जाता है एक्स रेज, इससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज इन द एक्स रेज रीजन, वी आर फैमिलियर विद एक्स रेज बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन, जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। इट कवर्स वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेंज इसका दे रखा है, ठीक है। दूसरी बुक का याद नहीं रखना, जो एनसीईआरटी में वही रखना याद, ठीक है, नहीं तो आपको बोर्ड में गलत हो जाएगा। और एक्स रे जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मेटल का टारगेट लेते हैं, ठीक है, कोई एक मेटल का टारगेट लिए और यहां से हम लोग क्या करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस मेटल के टारगेट पे जाता है, और मेटल के अंदर में आपको पता है कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको जाता है इसमें जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन को जाके नॉकआउट करता है, मारता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब बाहर निकलता है तो उसकी वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए इसके भी हायर एनर्जी से कोई एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आता है, जंपिंग करता है, इसकी वजह से जब ये बाहर निकल रहा है और ये आ रहा है तो इस वजह से यहाँ से एक लाइट निकलती है, रेज निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स रेज। तो एक्स रे इसी तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, समझ गए ना, ठीक है। और ये सब आप लोग जानते भी होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, कैसे एक्स रेज को जनरेट करना होता है, ठीक है। तो ये सब बात थी। तो इट इज यूज एज एक्स रेज आर यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ सम फॉर्म ऑफ कैंसर, तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है, तो आंसर इज एक्स रेज, ठीक है। बिकॉज एक्स रेज आर कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज ऑर्गेनिज्म, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर, तो जब हम लोग इससे कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो एक्स रेज जो है हमारी बॉडी के अंदर में डाला जाता है, उस समय में ये कैंसर को तो ट्रीट कर सकता है लेकिन उसके अलावा बॉडी के और भी जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उसको भी डैमेज कर देता है, इसलिए जब भी हम लोग एक्स रेज का यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग को ये ध्यान में रख के करना होता है कि हम कम से कम उसको इस तरह से यूज करें कि अधिक कम से कम जो है बॉडी में अदर टिश्यूज को डिस्टर्ब करें, समझ गए सबको, ही क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट इज गामा रेज, गामा रेज जो होता है आप जानते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सब पहले भी, और कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज होता है ना, ये सब रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे जब हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से या किसी भी चीज से, है ना, क्या करते हैं बम्बार्डिंग करते हैं, तो वहां से रेज निकलती है, अल्फा रेज निकलती है, फिर बीटा रेज निकलती है। तो जब अल्फा बीटा रेज जब निकलती है तो उन लोगों को क्या करता है, फिर स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, न्यूक्लियस, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का जो न्यूक्लियस है वो अब बाद में गामा रेज को एमिट करता है, ठीक है, और उसके बाद वो न्यूक्लियस जो है जाके फिर स्टेबल होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में गामा रेज के बारे में जाके हम लोग डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसकी फ्रिक्वेंसी अभी तक में जितना भी जानते हैं सबसे हाईएस्ट होती है, सो दे लाई इन द अपर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हैव वेवलेंथ फ्रॉम 10^-16 मीटर टू लेस देन 10^-14, तो ये वेवलेंथ रेंज आपको याद रखना है, मैंने बताया इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाइएगा सारा तो अच्छा रहेगा।
दिस हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के द्वारा ये एमिट होता है. दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. ठीक है, तो अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी दो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो दो वेव को बताइए, तो आप कौन कौन सा बोलेंगे कैंसर सेल्स के लिए? एक तो एक्सरे हो गया और दूसरा गामा रेज हो गया. याद रहेगा इससे बात. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा प्रीवियस ईयर में कि सारे कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं. ठीक है, तो बार बार उसको करने से अच्छा है कि मतलब एक बार प्रीवियस ईयर को आप लोग पढ़ लीजिए. ठीक है, सो दिस एंड्स द चैप्टर, खत्म हो गया. अब इसमें ये थोड़ा अपने से ही पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. आपको रेडियो वेव दे रखा है, वेवलेंथ रेंज दे रखा है, कहाँ से कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो सोर्स क्या है उसका प्रोडक्शन का, और डिटेक्शन वो कहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है. रिसीवर एरियल, एरियल का मतलब होता है एंटीना. ठीक है, जो भी हमारा एंटीना ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होता है. ठीक है, क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व में अभी हमने देखा था, माइक्रोवेव है ना. तो ये जो है टॉपिक आपका, मतलब ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है. समझ गए, क्लियर है सबको? तो चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया, और इसी तरह से वॉल्यूम वन खत्म हो गया, और इसी तरह से हाफ ईयरली का सिलेबस भी खत्म हो गया. ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, आई थिंक आपको कहाँ कहाँ तक ये सारी चीजें आप लोग खुद से कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब हो जाएगा. 10 तो हो गया था, 11 भी हो गया था पिछली क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं है 11th में. ठीक है, 12 भी ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा. ठीक है, 13, 14 सब जो है ना, आपको अगर नहीं मन करे तो छोड़ दीजिएगा, इसको हम कभी होगा तो डिस्कस कर लेंगे. 13, 14 ठीक है, 15 आप ट्राई कीजिएगा. ठीक है, 15 समझ गए, क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ा है ना उसके बेस पे 15th क्वेश्चन है. ठीक, तो 15 कीजिएगा ट्राई, 13, 14 हम देख लेंगे. उसमें विंस डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, 11th क्लास में, लैम्डा एम इंटू बी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, थर्मोडाइनमिक्स में विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वही कॉन्सेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन है थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड. ठीक है, तो उसको आप अभी छोड़ दीजिएगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर सर. 9th क्वेश्चन नहीं.